ऑलराइट गाइस, सो आज हम एक अवेयरनेस की सीरीज लेके आए हैं। अब ऐसी आती रहेंगी, बहुत हो गया हस्बैंड वाइफ, कुछ अवेयरनेस की भी सीरीज होनी चाहिए ना, लोगों को पता चले अवेयरनेस, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके, सो कम टू द पॉइंट। आपने ये वीडियो देखा होगा, या वीडियो देखा होगा या फिर ये वाला जो पोस्टर है वायरल होता हुआ देखा होगा। इसमें क्या है, एक्चुअली क्या हुआ, इसमें हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो वो 500 के नोट्स वो करते हैं बेड पे बिछा के, उनके ऊपर फोटो वोटो खिंचाते हैं और उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं। अब देखो, अब यहाँ दो बातें आती हैं, एक होता है सरकारी कर्मचारी ए बी सी डी कोई भी ग्रुप का हो, और एक होते हैं प्राइवेट लोग। प्राइवेट लोग करें ना करें, उनका कोई इतना बड़ा वो नहीं होता, इशू नहीं होता। क्यों? उनके पास यानी कि कोई कुछ भी दिखा सकता है भाई, जैसे प्राइवेट बंदा है कोई भी, ठीक है, कोई बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस का बेनिफिट दिखा सकता है, कोई ट्रेड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो अपना वो दिखा सकता है कि भाई देखो इतना पैसा यहाँ से आया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती है सरकारी कर्मचारियों को, ठीक है, इनकी जो सैलरी होती है वो होती है लिमिटेड, ठीक है, लिमिटेड सैलरी होती है, और इतना सारा पैसा भाई एकदम कैसे आया, तो इनको पकड़ लेते हैं, पुलिस पकड़ लेती है, टैक्स वाले पकड़ लेते हैं, कोई ना कोई जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है उनको पकड़ लेती है, भाई जवाब दो। अब उस बंदे ने जवाब क्या दिया जो पकड़े गए थे, कि भाई हमारे पिछले लॉकडाउन में एक हमने पहले कोई प्रॉपर्टी बेची थी तो उसका पैसा है, हालांकि वो बाद में सेटल वेटल होगा, जो भी होगा उसको सजा होगी, वो आगे की बात है, लेकिन तुम्हें क्या सीखने की वो है कि भाई देखो कभी भी ऐसी चीज़ ना डालो। बहुत बार क्या होता है, पेरेंट्स को पता नहीं उनके बच्चे ये शोबाजी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, फिर घर पुलिस आ रही है, फिर पता चल रहा है, फिर नोटों की बोरियाँ निकल रही हैं घर से, फिर भीड़ लग रही है कि भाई ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो ये गलतियाँ आप ना करो, वैसे भी मत करो और वैसे भी मत करो, क्योंकि हमारे इंडिया में ना बहुत सारे लॉज होते हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, कि भाई तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से, तो कंसीडर कर लिया जाता है, जो तुम्हारी सैलरी इतनी सी है और तुम्हारे पास रिसोर्सेज इतने से हैं, तो कैसे, वो टर्म है ना डिसअप्रोप्रिएट असेट, कि भाई आपके पास इतनी असेट कहाँ से आई, संपत्ति उससे ज़्यादा, आय से ज़्यादा अधिक संपत्ति कैसे आ गई आपके पास, तो उस चीज़ का फिर दिक्कत होती है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में केस भी बन जाते हैं उसके, ठीक है। सो मोरल ऑफ द वीडियो ये है, अगर कोई पेरेंट्स देख रहा है तो अपने बच्चों को समझाओ कभी भी ऐसी गलती ना करें, और पेरेंट्स तो करो मत, और इनकी वाइफों को भी समझाओ, उनकी भी थोड़ी बैल बुद्धि रहती है ना शोबाजी के चक्कर में, मेरा बालम थानेदार चला हुआ जिप्सी उसके चक्कर में, तो ये सब मत करो। ओके, सो आई होप इट इज़ क्लियर। और वो एक कहावत है ना कि सीखा कौन है, मतलब बातों से कौन सीखा है, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा जरूरी है, तो भाई एक बात तो, तुम जब हादसा होगा तभी सीखोगे क्या, बातों से भी सीख लो, चाणक्य बनो, चाणक्य बोलते थे ना चाणक्य साहब, कि भी दूसरों की गलतियों से सीखो, तो इस वीडियो की गलतियों से सीख लो, इस वीडियो के मॉरल से सुनो, सीखो जो इन्होंने वो करिए उनकी गलतियों से सीखो, कि भाई ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है। और अवेयरनेस के लिए इस सीरीज को फॉलो करो, अभी आने वाली ऐसी वीडियोस कुछ और भी मिलेंगी आपको अवेयरनेस के लिए। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। कब तक यार पति पत्नी वाला चलाते रहेंगे, हस्बैंड वाइफ थोड़ा नया होना देना। ओके।